हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रिचुक रसोई चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का मुरब्बा। तो आंवले को मैंने रात में भिगो दिया था। देखो, ये मैंने 12 घंटे तक इसको भिगो दिया था। साथ में मैंने इसमें फिटकरी डालकर इसको भिगो दिया था। अभी अच्छे से भीग चुका है, तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। तो देखिए, मैंने अभी इस आंवले को निकाल लिया है। तब हम इस आंवले में इस स्पून की सहायता से इसको इसमें छेद कर लेंगे, ताकि हमारा जो आंवले का पाक है तो इसमें अंदर तक चले जाए। तो हमें ऐसे इससे पूरा इसको छेद करना है। हम पूरे आंवले को ऐसे ही छेद कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इन सब को छेद कर लिया है, देखिए नज़दीक से। तो अभी अच्छे से छेद हो चुका है। तो अब मैं इन्हें स्टार्ट कर लूँगी बनाना। तो कढ़ाई को मैंने रख दिया है, तो मैं इसमें अब एक एक आंवला रख दूँगी। हमने जितना आंवला लिया है, उतना ही हमें उसी टाइप में हमें शक्कर लेनी है, उतनी ही लेनी है हमें, और थोड़ा सा हाफ पानी थोड़ा ही लेना है हमें, क्योंकि शक्कर का पाक होता है इसलिए। तो हम इसे रख देंगे। अब हमें ऐसे ही शक्कर के पाक में इसको पकाते रहना है। देखो, अभी पकने लगी है अच्छे शक्कर। तो हमें ऐसे ही शक्कर में आंवले को पकाना है, तब हमारा जाकर मुरब्बा बन जाएगा। देखिए, अब थोड़ा थोड़ा इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, एकदम लाइटली ऐसे कलर चेंज हुआ है इसका। अब इसकी चाशनी भी अच्छी बनी है, देखिए अभी पूरी अच्छे से बन चुकी है। फिर भी हम इसको निकालेंगे नहीं, ये पक चुका है, फिर भी हम इसको नहीं निकालेंगे। फिर भी हम इसको 12 घंटे तक ऐसे ही चाशने में भिगो कर रख देंगे। तो 12 घंटे के बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे बना मुरब्बा। गाइस, तो देखिए हमारा रेडी है आंवला का मुरब्बा। तो देखिए, इसका एकदम कलर भी चेंज हो गया है। अभी मैं इसको देखती हूँ कैसा दिख रहा है। देखिए, एकदम बहुत ही एकदम बढ़िया लग रहा है ये। वाओ, सो स्पॉन्जी भी हुआ है, सॉफ्ट भी हुआ है। देखिए, वाओ। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।